आप देख रहे हैं खबर एनडी टीवी, रिश्ता हर खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एनडी टीवी में, आपके साथ संदीप झा। इस वक्त बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में हैं, हमारे साथ में हैं आपकी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान जी। तो आइए बात करते हैं, यहाँ पे हर दिल्ली के 22 विधानसभा क्षेत्र के अंदर में जो चुनाव आते ही जो हर एक पार्टी अपनी अपनी सरगर्मा तेज कर दी है और मुद्दा उछालने लग गई, वही भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने एक नया स्लोगन लाया है कि अब मिलेगा न्याय, अनधिक कॉलोनी को जो है सो नियमित करने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। आइए से बात करते हैं रामवीर चौहान जी से। स्वागत है सर आपको खबर एनडी टीवी और आकाश न्यूज में। बताए सर, देखिए ऐसा है, ये जो न्याय की आपने बात की अभी अभी भाजपा की, अगर न्याय की बात भाजपा करती है तो इसका मतलब लोगों के साथ अन्याय हुआ है, और ये देखना पड़ेगा कि अन्याय किसने किया है। सरकारें तो केंद्र में पिछले लगभग 6-7 साल से भाजपा की सरकार चली है और दिल्ली में भी भाजपा की सरकार रही है, तो इसका मतलब भाजपा ने अन्याय किया लोगों के साथ। तो आज कौन से न्याय की बात भाजपा कर रही है? नीचे दिल्ली में नगर निगम में 15 साल लगभग होने वाले हैं, तो 15 साल से भाजपा काम कर रही है। अनऑथराइज कॉलोनी की जहाँ तक बात है, पिछले 20 साल से दिल्ली की राजनीति में चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या भाजपा हो, सिर्फ चुनाव के दौरान ही ये अनऑथराइज कॉलोनी का मुद्दा क्यों उछाला जाता है? लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए। आपने जो परफॉर्म किया है, अगर भाजपा ने कुछ परफॉर्म किया है, लोगों को कुछ दिया है, या कांग्रेस ने कुछ दिया है, या आम आदमी पार्टी ने लोगों के लिए परफॉर्म किया, तो अपने परफॉर्मेंस पे चुनाव अपनी परफॉर्मेंस पे लड़े। लोगों को गुमराह करके पिछले 20 साल से हर चुनाव से 2-4 महीने पहले अनऑथराइज कॉलोनी का मुद्दा उठा लिया जाता है। अगर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री सेंटर की आपके पास है, हरदीप पुरी जी ने कहा कुछ दिन पहले कि वी आर गोइंग टू रेगुलराइज दीज कॉलोनीज, तो अभी तक तो कोई रेगुलराइज हुई नहीं। अभी 3 महीने पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने वाले मुख्यमंत्री अपनी ही पीठ थपथपा रहे थे कि हमने रेगुलराइज करा दिया कॉलोनी को, तो फिर आज ये स्थिति क्यों हुई? ये दोनों ये चाहते हैं कि दिल्ली में कोई और पार्टी राजनीति ना करे और आपस में ही एक दूसरे की पीठ को खोचने का काम। भाजपा नेता कहते हैं कि दिल्ली के 38 विधानसभा जो है आपको वो अनधिकृत कॉलोनी है, जिसमें अभी हमने अभी पहले चरण में जो है सो 22 विधानसभा का एजेंडा भी छेड़ा है हमने, और वो जो बची कॉलोनी है उसको भी हम पास करने का काम करेंगे। और यह भी उन्होंने कहा है भाजपा के नेताओं ने, जो कि आज आपकी विधानसभा में भी आप शायद जाएंगे यहाँ से निकल करके, तो शायद भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले दुल्हन सा सजा हुआ है आपका ये बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र जब आप यहाँ से निकलेंगे, तो इस तरह का देखने को मिला है। क्या मानते हैं कि मतलब ये जो एजेंडा इन्होंने जो दिया है अब मिलेगा न्याय था, तो ये पहले अन्याय हो रहा था और अब ये न्याय देंगे, तो क्या है ये न्याय? हम ये कहते हैं कि अगर ये न्याय देने की बात करते हैं तो आप इसका मतलब अन्याय कर रहे हैं अभी तक जनता के साथ, तो पहले ये तो सुनिश्चित हो कि अन्याय किसने किया है। अन्याय केंद्र में आप बैठे हैं, निगम में आप बैठे हैं, और बीच में केजरीवाल जी हैं। आप देश की राजनीति जिस तरीके से, इनके पास मुद्दा विहीन राजनीति है। आज भाजपा के पास परफॉर्मेंस करने के लिए, अपना कुछ बताने के लिए कोई है नहीं राजनीति। आप बताइए कि दिल्ली के लोगों के बेटरमेंट के लिए क्या क्या आप, मैं कहता हूँ कि पूरे देश के सामने आज मोटर व्हीकल एक्ट में जो रूल्स में चेंजेस किए हैं, जो गरीब लोगों के ऊपर एक इलीगल लूट की जा रही है लोगों के पैसे की, जो आम आदमी बड़ी मुश्किल से अपने घर को चलाने की कोशिश करता है, कोई स्कूटर पे जाता है, कोई बाइक पे जाता है, कोई स्कूटी पे जाता है, आज वो आदमी 15-15 हज़ार रुपये के चालान भर रहे हैं, तो उसके पैसे की जो लूट है उस पर बात करो ना भाजपा, या दिल्ली की आम आदमी सरकार बात करे उसकी। जब दिल्ली की आम आदमी, ये जो अभी आपने बहुत अच्छी बात कही, अभी जो ये चालान जो करते हैं, नया कानून जो लागू हुआ है, और शायद सोशल मीडिया के जरिए आए दिन देखते होंगे कि मतलब ऐसे ऐसे सुर्खियाँ आपको देखने को मिलता हो, हंसी आती होगी कि मैं क्या कहते हैं, आपको 15 हज़ार का स्कूटी है, स्कूटर है, ये बाइक है, और उसका जो है सो 23 हज़ार का या 20 हज़ार का या 25 हज़ार का चालान कट रहे हैं, ये सब देखने को मिलता है। क्या है इसको, क्या मानते हैं? ये जनता के पैसे की लूट है, कानून का उसको अमली जामा पहना दिया गया है, गरीब लोगों के हकों की लूट है। जो गरीब आदमी 15 हज़ार रुपये सैलरी कमाता है, और अगर उसका 15 हज़ार रुपये का चालान कट जाएगा तो उसके बीवी बच्चे भूखे मरने की नौबत पे आ जाएंगे। आपका 10 हज़ार रुपये का व्हीकल है, आप 20 हज़ार रुपये का चालान कटवा रहे हैं, तो ये सरकार की सरासर मनमानी है। और इस पर ऐसा काला कानून बनाने से पहले सरकार ने कोई डिबेट,
जनता के बीच में कोई बात नहीं रखी या जनता से पूछा नहीं, जबकि ऐसा है, ऐसा नियम है, जब भी कोई कानून बनता है तो उस पर ओपिनियन जनता की भी ली जाती है कि जनता में संवाद, जब बार बार भाजपा संवाद, आज भाजपा ने संवाद का कार्यक्रम चलाया हुआ है, तो भाजपा बताया कि संवाद में मोटर व्हीकल एक्ट के रूल्स को चेंज करने का भी संवाद चलाया क्या भाजपा ने? या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, ओड इवन की बात करते हैं, जब आप ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट को लेके चलते हैं हम, तो ट्रांसपोर्ट में आप स्टेट गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम है, तो जब कंकरेंट लिस्ट पे दोनों आदमी कानून बना सकते हैं, सेंटर भी और स्टेट भी, आप ओडीवन लागू करते हैं, जबरदस्ती लोगों की गाड़ियां रुकवा देते हैं सड़कों पे चलने से, तो क्या आप इसको रोल बैक करने की बात नहीं कर सकते थे? आप कॉल करते कि हम ट्रैफिक चालान का विरोध करते हैं और दिल्ली में इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। आप एक चुनी हुई सरकार है, 67 विधायक आपके पास आए हैं, आप कहते हैं कि गिनीज बुक में आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि आपको सबसे ज्यादा वोट मिला है, तो आपने क्यों नहीं एजिटेशन किया? इसका मतलब भाजपा और आम आदमी दोनों की मिली भगत से जनता के पैसे की लूट की जा रही है और कानून का जामा पहना के उसको कानून का रूप देके जनता के पैसे की लूट। आपने 500 रुपए का बिजली की तो छूट दे दी, लेकिन उसको केंद्र सरकार को और तुमने दोनों ने मिलके, आम आदमी पार्टी और भाजपा ने मिलके जनता के 15,000-20,000 चलान के नाम पे लूटने का काम किया है। तो इस छूट और लूट के बारे में दोनों ही पार्टियां मिली हुई हैं। इस चीज को अब तक जो विरोधी दल के नेता है या कोई भी, आप इस जो जनता इससे परेशान है, सच्चाई यह है कि मतलब ये चालान जो कट रहे हैं इससे जनता काफी आपसे मतलब परेशान है, इसके विरोधी पार्टी चाहे कोई अपोजिशन पार्टी कोई इस मुद्दा को नहीं उठा रही है। देखिए ऐसा है, हमारी पार्टी का, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स का बड़ा स्पष्ट मत है और हमने कुछ दिन पहले ये बात कही है, आज पूरे देश में एक फियर पॉलिटिक्स चल रही है। फियर पॉलिटिक्स क्या है कि जो पॉलिटिशियंस राजनीति में रहे पहले या आज भी हैं, अगर उन्होंने अनअकाउंटेड मनी रखी या ऐसी प्रॉपर्टी रखी जिसको डिस्क्लोज नहीं किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो आज उनको उस चीज का डर दिखा के उन लीडर्स को मम कर दिया गया, चुप कर दिया गया कि वो अब जनता की आवाज नहीं उठाएंगे, और उनकी चुप्पी की वजह से आज देश की जनता, देश का नागरिक, देश का वोटर एक चक्की में पिस गया है, जो हमारे देश में ये जो डिक्टेटरशिप की चक्की चल रही है। तो हम आपके आज इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं पूरे देश के लीडर्स पे का ये आह्वान करना चाहता हूँ कि जो ईमानदार लोग हैं, जो ईमानदार पॉलिटिशियन हैं, जिन्होंने अपना सादगी से जीवन बिताया है, वो लोग सड़कों पर आए, वो ईमानदारी के साथ इस फियर पॉलिटिक्स का मुकाबला करें। जब तक इस फियर पॉलिटिक्स का मुकाबला नहीं होगा, आपको जेल में जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर सरकार आपका दमन करती है, ये दमन की पॉलिटिक्स है, इट्स कॉल्ड ए पॉलिटिक्स ऑफ डिक्टेटरशिप एंड दे आर एक्सप्लॉइटिंग द पॉलिटिशियंस, कि आपको जैसे ही आपने कुछ बोला आपके सामने ईडी लगा दी। आज मीडिया में जो भी कोई पॉलिटिशियन कोई बात रखता है अपोजिशन का, देश का मीडिया उसको पहले ही एक विलेन के तौर पर पेश कर रहा है। पूरे देश का मीडिया, जो भी आपका हिंदी भाषी क्षेत्रों के चैनल, क्योंकि आप हिंदी भाषी क्षेत्र में रह रहे हैं, तो यहाँ के चैनल्स में ये है कि अगर आपने कोई जेन्युइन बात करी, जनता के हक में ट्रांसपोर्टर ने हड़ताल की, तो उस प्रॉब्लम को एक जो प्राइवेट जो गाड़ी चला रहा है, टैक्सी चलाने वाला आदमी है, उसको अगर दिल्ली में वो 4-5 बार चक्कर लगाएगा, पहले एक कंसोलिडेटेड टैक्स होता था 1900 रुपये, उस टैक्स को इन सरकारों ने क्या किया, उसको 3,500 रुपये कर दिया है। अब जितनी भी आप ओला उबर या और जो गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, प्राइवेट कैब इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके ऊपर एक और टैक्स इम्पोज कर दिया गया है कि अगर आप दिल्ली में 4-5 बार एंट्री करेंगे तो आपको 5 बार अलग अलग एंट्री फीस देनी पड़ेगी, यानी कि आपको 100-150 रुपये एवरी एंट्री फीस पे आपको पे करना पड़ेगा। तो एक दिन में एक आदमी के ऊपर 500-1,000 रुपये टैक्स इम्पोज कर दिया है आपने। तो इन नियमों के खिलाफ आज टीवी की डिबेट सिर्फ पाकिस्तान कश्मीर पे चलती है, जनता के मुद्दों पे, रोजगार पे कोई डिबेट नहीं है, जनता किस चीज में पिस रही है चक्की में उस पे कोई डिबेट नहीं है। ये देश में जो फियर की पॉलिटिक्स चल रही है ना, इसके खिलाफ लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, ईमानदार लोगों को। नहीं, अगर नहीं होंगे तो हम वी आर गोइंग टुवर्ड्स एनार्की एंड आफ्टर 10 years और 15 years द पीपल विल रिवोल्ट एंड द एंटायर सिस्टम विल बी कोलैप्स। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव
जो है सो बहुत जल्दी नजदीक जितना नजदीक आता जा रहा है उतनी उतनी हर एक पार्टी अपनी अपनी सरगर्मा तेज करने में लगी हुई है। शायद आपने देखा होगा आपको विधानसभा से जो JDU ने भी अपना प्रत्याशी क्लियर कर दिया है। तो मतलब अब जैसे इसको कहते हैं पंचवर्षीय त्योहार, अब हर एक पार्टी पंचवर्षीय त्योहार मनाने के लिए अपने अपने मैदान में आ चुकी है। तो आप एक पार्टी, आपकी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपका अब तक जो 70 सीट पे सारे प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, 70 से 70 के 70 पे, तो अब तक कितने कैंडिडेट आपने डिक्लेयर किए हैं, क्या रहेगा आपका भूमिका? देखिए हम लोगों ने लोकसभा चुनाव से पहले ये कहा था, इंडियन एक्सप्रेस ने एक इंटरव्यू लिया, मैंने उस टाइम में ये बात कही थी कि हम दिल्ली में केजरीवाल को जीरो करेंगे, लोकसभा में वो जीरो होंगे। और हमने मेहनत की, लेकिन पार्टी क्योंकि नई पार्टी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उसको हम एक्सप्लॉयट उन चीज़ों को नहीं करवा पाए। हमारे जो कैंडिडेट थे, हमने 6 सीटों पे चुनाव लड़ा, 5वीं और 6वीं पोजीशन हमारी लगभग सभी सीटों पे है लोकसभा में। तो दिल्ली के हर बूथ पे हमें रिस्पॉन्स मिला है, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स। हमने केजरीवाल के साथ भी फाइट की, जब उसने हमारी पार्टी के नाम को रोकने की कोशिश की, हाईकोर्ट में रिट डाली, हमारे सिंबल को लेकर रिट डाली गई, हमने उस पर फाइट की। दिल्ली में हम तैयार हैं बिल्कुल, और हम आपको ये आज आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको सुरेंस दिला रहा हूँ कि दिल्ली में 2020 में जो चुनी हुई सरकार होगी वो आम आदमी पार्टी की नहीं रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। दिल्ली में सबसे भ्रष्ट सरकार जो है वो अरविंद केजरीवाल जी की है। हमने आज हम कहते हैं, बार बार हम डिमांड करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी आप बताइए, ईमानदारी के मुद्दे पर आप चुनाव लड़ने आए थे, आज ईमानदारी कैसे गायब होगी? दिल्ली की किसी भी चुनावी सभा में आज के अरविंद केजरीवाल जी ईमानदारी का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो खुद भी भ्रष्ट हैं और उनके विधायक भी भ्रष्ट हैं। और दिल्ली में ये तमाशा किया गया है, हम इसका जवाब देंगे। आज मीडिया में 6-6 पेज की ऐड आती है, 10-10 पेज की ऐड आती है। हमने पहले भी कहा इस बात को, हम इसका विरोध करते हैं कि जब आप 10 पेज की ऐड, आप 10 मिनट की डेंगू की आपने आंकड़े चला दी डेंगू की। 2000 सरकार में अरविंद केजरीवाल जी बताया कि 2015 में किसकी सरकार दिल्ली में थी? अगर डेंगू उस टाइम फैला तो आपकी सरकार के दौरान फैला है। आप जो 2015 के आंकड़े को कंपेयर करते हैं, 2013 से तो आप मुख्यमंत्री थे दिल्ली में। अगर डेंगू फैला, डेंगू से जो 2013 से अभी तक जो मौतें हुई हैं, इसका मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री उसके लिए जिम्मेदार है बीमारियों के लिए। और आज आप 10 मिनट की बात करते, आप बताएं कि एक संडे को 10 मिनट के लिए पानी चेंज करने से क्या डेंगू खत्म हो जाएगा? 2015 के जो आंकड़े आप दे रहे हैं उस आंकड़े के लिए तो आप ही जिम्मेदार हैं। आप मुख्यमंत्री थे, 14 फरवरी 2015 को आपने मुख्यमंत्री का पद संभाला, और उसके बाद बताइए कि 2015 में कितनी मौतें हुई हैं डेंगू से। ये जो झूठा प्रचार किया जा रहा, और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस और प्रिंट मीडिया को ऐड के नाम पर, सरकारी ऐड के नाम पर रिश्वत दी जा रही है, ताकि वो गरीब लोगों को, छोटी पार्टियों के, जो छोटी पार्टियां चुनाव लड़ना चाहती हैं, ईमानदारी से पार्टिसिपेट करना चाहती हैं लोकतंत्र में, उनको रोकने के लिए, ताकि ये बड़े बड़े अखबार उनकी आड़ में उन लोगों की खबरें ना दिखा सकें। और जब चुनाव आता है तो ये जो आज जो ये रिश्वत पे की गई है ऐड के द्वारा, इसी ऐड को कन्वर्ट कर दिया जाएगा उनकी न्यूज बना के कि चुनाव में ये लीड कर रहा है, चुनाव में ये लीड कर रहा है। तो ये जो प्रैक्टिस देश में चल पड़ी है, इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, उसे मीडिया को भी सहयोग करना पड़ेगा, और मीडिया को ये समझना पड़ेगा कि जनता की वजह से मीडिया है, नेताओं की वजह से मीडिया नहीं है। अगर ये जनता बिखरेगी, जनता कल को मीडिया को, अगर आज हम देश में आह्वान करें, हम एक आंदोलन चलाएंगे इस बारे में, हम ये आंदोलन चलाना चाहते हैं देश में पूरे में कि जो भी मीडिया है, बड़ा मीडिया जो आपने सो कॉल्ड कैपिटलिस्ट ने जो कैप्चर किया हुआ है, कि वो लोग सब्सक्राइब करना बंद कर दें, उसको बड़े चैनल्स को सब्सक्राइब करना बंद कर दें, ताकि जब इनका सब्सक्रिप्शन कम होगा, TRP कम होगी, देखेगा कौन? जब देखने वाले सब्सक्राइब करना बंद कर देंगे तो इन चैनल को ये नेताओं की गुणगान करते रहे, नेता ही देख लेंगे। देश के 543 MP, उसके अलावा जितने भी विधानसभा के सारे मिला के 5000 लोग होंगे या 10000 लोग मैक्सिमम होंगे, वो 10000 लोग ही देखेंगे टीवी को, तो उन्हीं को दिखाते रहे करिए जनता। अब ये वक्त आ चुका है कि एक मीडिया के खिलाफ भी हम एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे कि इसको सब्सक्राइब करना बंद करें। अगर जनता बेरोजगारों की बात नहीं उठाती है जनता, ये मीडिया अगर ये चालान की समस्या नहीं उठाती है, अगर बीमारी की समस्या पर नहीं उठाती है, तो इस मीडिया को शटडाउन कर देना चाहिए, और जनता इस मीडिया को शटडाउन करेगी, हम इनके खिलाफ आंदोलन चलेंगे। तो देखा जाए अभी क्या कहा, इन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया है, मीडिया पे भी सवाल उन्होंने उठाया है। उन्होंने कहा है कि
जिस तरह से मीडिया, इनका आरोप है कि मीडिया जो सत्ता के साथ चल रही है, इस वजह से मीडिया के खिलाफ भी हम लोग एक आंदोलन करेंगे, क्योंकि मीडिया सत्ता के साथ चल रही है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर कोई भ्रष्ट है तो सबसे बड़ा भ्रष्ट है अरविंद केजरीवाल। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अरविंद कॉलोनी को जो पास करने की जो बात कह रही है भारतीय जनता पार्टी, यह एक चुनावी घोषणा है, ये कुछ भी नहीं है। भाजपा और आप पे दोनों पे आरोप लगाए हैं रामवीर सिंह चौहान जी ने। आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, रिश्ता हर खबर से।